मुल्क में एक तरफ सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान भी बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में महंगाई की शरह में मजीद 0.71% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर मुल्क में शरह महंगाई बढ़कर 9.43% हो गई। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या वफाकी काबिना का इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हो या मुल्क में सियासी जमातों के जलसे, हर तरफ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर क्यों गया और इमरान खान जारी वजीर आजम है के नारे लगते हैं, लेकिन कहीं से ये आवाज़ नहीं उठती कि मुल्क में महंगाई की शरह में होश रुबा इजाफा क्यों हो रहा है। वफाकी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क में आटा दाल घी समेत 24 अशियाए जरूरियाँ महंगी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज 11.5 रुपए फी किलो, टमाटर 10 रुपए फी किलो, चिकन ब्रायलर 10 रुपए फी किलो, अंडे 4 रुपए फी दर्जन महंगे हुए, लहसुन 4 रुपए, आलू 1 रुपया, दाल मूंग 3 रुपए फी किलो, LPG का घरेलू सिलेंडर 10 रुपए, चीनी फी किलो 33 पैसे महंगी हुई। मुल्क में महंगाई के हाथों परेशान हाल अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के बजाय अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें।